वहां पर वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम सब दल ने इकट्ठा किया, मोदी रोको पानी पी पी करके मोदी जी को गाली दिए जा रहे थे। सब लोगों ने मंच पर 15-16 पार्टी के नेता खड़े होकर के फोटो खींच रहे थे, हम इकट्ठा हो गए, अब मोदी देखते हैं कैसे आएगा। एक कवि ने कहा कि भाई आज जिंदगी में पहली बार एक साथ एक मंच पर एक समय थोक के भाव प्रधानमंत्री देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप कल्पना करिए, उनसे पूछिए तो सही कि आप में से तय करो कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दीदी अपना सोचती है, बहन जी अपना सोच रही है, अखिलेश अपना सोच रहे हैं, सब अपना अपना सोच रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों में इस बात को कह रहा हूं कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे देश भर में जिस प्रकार के है, उस लहर को कोई ताकत नहीं रोक सकती। आने वाले समय में 19 तारीख को जब मतदान होगा और जब 23 तारीख को परिणाम निकलेगा, दो चीजें इस बार और होने वाली लगते हैं। एक तो भारत कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है और दूसरी परिस्थिति ये होगी कि कांग्रेस मुक्त भारत के साथ साथ में कांग्रेस मुझे लगता है कि गांधी मुक्त हो जाएगी, क्योंकि अंतिम प्रयोग जो है वो हो रहा है। अब सब गांधी का इस्तेमाल हो गया, अब प्रियंका तक बात आई है और मैं समझता हूं कि प्रियंका के बाद शायद मित्तल मुखी से नाम से कोई बचा नहीं होगा। और ऐसी परिस्थिति में मैं देख रहा हूं कि पूरे देश भर में जो वातावरण जो माहौल बना है, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग कुंठित हैं, परेशान हैं इस सारी चीज को लेकर के। सब कुछ एक घर में एक परिवार में, ये बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में होने वाला है। जहां तक हिमाचल की बात है भाई और बहनों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबके सहयोग और समर्थन से मुझे हिमाचल प्रदेश की जो जिम्मेवारी मिली है, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 15 महीने का ये छोटा सा कार्यकाल आप सबके सहयोग और समर्थन से हमने पूरा किया है। हर कदम पर आपका सहयोग मिला, समर्थन मिला, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, ताकत मिली, और उसके कारण आज की तारीख में मैं कह सकता हूं ये संभव हुआ कि हम सब लोग जो है आज हिमाचल प्रदेश के चारों लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैं, और जीत ही नहीं शानदार जीत हासिल करने वाले हैं। हमने तो 15 मिनट में हमने हिमाचल के 4 टिकट का निर्णय किया, और उधर कांग्रेस पार्टी को 20 दिन लगे टिकट तय करने में, 4 टिकट 3 किस्तों में तय किए गए। हमने कांग्रेस के मित्रों को पूछा, भाई क्या हो रहा है? बोलता, हम आदमी ढूंढ रहे हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी में ढूंढने पड़ रहे थे। हर आदमी चुनाव के दौर से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सामने दीवार पर लिखा हुआ है कि जीत सिर्फ भाजपा की होगी, जीत सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी की होगी, और हिमाचल में 4 सीटें पहले भी जीती हैं और 4 सीटें फिर से जीतने वाली हैं। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के लोगों के दिमाग में ये था, ये टिकट का करेंगे क्या,